अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो सोफ़ा सेट लेकर आया हूँ, ये आजकल बहुत ही वायरल सोफ़ा सेट है। एज इन मैं अगर ये कहूँ कि 2020 और 21 में अगर मुझे किसी सोफ़ा सेट की सबसे ज़्यादा क्यूरीज आ रही है तो वो इस यू शेप की। बेसिकली ऑनलाइन अगर आप गूगल पर सर्च करें एल शेप सोफ़ा, सेक्शनल सोफ़ा, तो फर्स्ट नंबर पर सबसे पहले ये सोफ़ा आता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब ये सोफ़ा बना ही लें और ये कस्टमर को अब दें कि हम ये ऐसी चीज़ बना सकते हैं। हाल ही आपको ऑनलाइन और इंटरनेशनल मार्केट में ये सोफ़ा नहीं मिलेगा, आपको लोकली पाकिस्तान में लाहौर में अपने शहर में आपको मिल सकता है। तो ये बेसिकली सोफ़ा वो चीज़ है। एक्चुअली अब आपको इसको सोफ़े के स्पेक्स के साथ स्टार्ट करता हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस सोफ़े के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। ये सोफ़ा टोटल 10 सीटर सोफ़ा। इस 10 सीटर सोफ़े के अंदर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये सीट्स, ये एक पफी और ये टोटल मिला के 10 सीट्स बन जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनके साथ 4 स्टूल भी हैं। बेसिकली ये स्टूल्स हैं, ये 2 स्टूल्स लगे हैं, 2 स्टूल यहाँ पर आएंगे और 2 स्टूल इस साइड पर। अब ये स्पेस कहाँ पर है, ये स्टूल अंदर जाते हैं इस बाजू के अंदर से। ये देखिए, आप इस सोफ़े को यहाँ से स्टूल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी सोफ़े की खास बात यह है कि टोटली सीट टफ्टेड है। अंदर इसके अंदर बेसिकली हमारा जो सोफ़े हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे जितने भी सोफ़ा सेट हैं वो सारे स्प्रिंग्स में बनते हैं। वो टिपिकली ऐसे नहीं कि हम वो जिसके अंदर रबर पट्टी या वो ब्लैक कलर की पट्टी उस पर काम करते हैं, वो लोकल काम बिल्कुल भी नहीं करते। और दूसरी चीज़ जो इसकी एक सबसे खास चीज़ है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमारे लाउंज में बहुत ज़्यादा देर बैठा जाता है, अक्सर औकात 9-10 यानी कि 9-9 घंटे 7-7 घंटे बहुत ज़्यादा बैठा जाता है। उसके लिए एक खास किस्म की चीज़ इसके अंदर है, वो है इसकी नेक सपोर्ट, जिसको हम बॉस्टर भी कहते हैं। ये देखिए, हमने इस बॉस्टर के आगे ये कुशन की ऑप्शन, ये देखिए आप। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो आपकी नेक है वो कभी थकेगी नहीं, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने बस 2 घंटे यूज़ कर लिया अब आपने बस पोत हो गया। लेकिन अब आपको एक ऐसी ऑप्शन सोफ़े में दी जा रही है जिसके बाद आप इस सोफ़े पे अगर 3-4-5 घंटे जितनी देर मर्जी बैठना चाहे बैठ सकते हैं। और हमारी वुड वही सेम हम यूज़ करते हैं, कीकर वुड, 1 इंच का स्ट्रक्चर होता है, 10 ईयर्स की गारंटी होती है हर तरह के वुडन इंसेक्ट्स की। फैब्रिक इम्पोर्टेड वेलवेट यूज़ की जाती है, टिपिकली लोकल वेलवेट यूज़ नहीं की जाती। उसके बाद इसके अंदर एक खास किस्म की ऑप्शन दी जाती है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि सोफ़े के अंदर, सेक्शनल सोफ़े के अंदर बहुत इशू होता है कि हमारे पास टेबल नहीं होती जिसको हम यूज़ कर सकें। लेट्स से कि अगर मेरे पास ये वाली टेबल यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो जो यहाँ पे इस सीट पे बैठेंगे उस सीट पे बैठेंगे उसके पास कहीं भी अपने ग्लास रखने की जगह या बुक्स रखने की जगह कोई भी नहीं होती। उसके लिए एक खास किस्म की हमने ये ऑप्शन दी है जिसके अंदर आप टेबल या ग्लास वगैरह, अगर कुछ भी आप ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं तो आप यहीं पे प्लेस कर सकते हैं। आप इसी सोफ़े को एज अ टेबल भी यूज़ कर सकते हैं आपकी, यानी कि बहुत ही एक अच्छी ऑप्शन आपको दी जाती है। ठीक है, और इसके बाद जो एक अच्छी चीज़ इसके अंदर थी, जो शुरू में मैंने आपको बताई थी, वो थी इसके 4 स्टूल। आप इन स्टूल्स को यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, एज इन कहीं मूव करना चाहें मूव भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर ऑप्शनल है। ठीक, और इसके बाद आती है ये एक पफी। ये पफी आप चाहे तो साथ ही बनवा सकते हैं, चाहे तो सेपरेट भी बना सकते हैं। हमने बेसिकली इसको सेक्शनल रखा है सो डेट आप इसको मूव कर सके, कहीं भी मूव कर सकें, यहाँ पर भी लेके जा सकते हैं, किसी भी जगह पर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे जो सोफ़े के साइजेज़ हैं, अगर मैं आपको इस सोफ़े के साइज़ बताऊं तो हमारी जिस साइड पे ये पफी लगी है यहाँ पर आती है 6 फीट, ऑपोजिट साइड 8 फीट, और अगर आप ये मेन, जो मेन हमारी मेन बैग है वो आती है 12 फीट। और आपको पता है सफिशिएंट स्पेस है, 10 सीटर सोफ़ा है, आपके लिए लाउंज के लिए एक आइडियल प्लेस है जहाँ पे भी आप इसको यूज़ करना चाहें। ठीक, और आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस काइंड ऑफ अ सोफ़ा, क्योंकि ये आजकल का बहुत इन सोफ़ा है, कंटेम्प्रेरी स्टाइल सोफ़ा है। तो जब भी आप इसको यूज़ करना चाहें आप इसको करें, और हमें अपनी फीडबैक से ज़रूर बताएं कि हमने इसके अंदर अभी भी कोई ऑप्शन छोड़ी तो नहीं। आल्दो कि हम कोशिश करते हैं कि हर तरह की चीज़ को कैटर किया जाए, कलर्स हम वो यूज़ करते हैं जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा चलने वाले हों, गंदे ना होने वाले हों, क्योंकि लाउंज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो कलर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो रॉयल ब्लू और ग्रे कलर है। ठीक है, और वुडन इसके फीट है, स्ट्रक्चर के अंदर स्प्रिंग है, और स्प्रिंग एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। नॉर्मली मार्केट में इसको सपोर्ट नहीं किया जाता, उसकी वजह कि लोग इसके बारे में नेगेटिविटी बहुत बताते हैं। नेगेटिविटी बताने का मकसद ही होता है क्योंकि वो यूज़ नहीं करते, चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है, लेकिन हम इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर
आपको एक सेक्शनल सोफ़ा दे देते हैं, ठीक है। यानी कि जो लोग विदाउट स्प्रिंग प्राइसेस मांगते हैं, हम वो विद स्प्रिंग्स आपको एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ एक सोफ़ा दे रहे हैं। बाकी आप इसको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चंस हो तो लेट मी नो, मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर उसके आंसर्स करूँगा। और वीडियो कैसे लगी उसके बारे में आपने मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और अब हम चलते चलते इस सेंटर टेबल की बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक से कुछ लोग सेंटर टेबल्स में भी इंटरेस्टेड हो। ये वो सेंटर टेबल है जिसका साइज़ है 2.5x4, 8mm का मिरर है। हमने इसके अंदर दो ड्रॉर दिए हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ये साइड पे दो ड्रॉर, ठीक है। प्राइस बहुत इकोनॉमिकल हर कस्टमर की रेंज में आती है। आई थिंक अगर मैं कहूँ तो इकोनॉमिकल से भी ज़्यादा इकोनॉमिकल प्राइसेस है इसकी, ठीक है। मिरर टॉप भी मिल जाता है, आपका टॉप भी कभी ख़राब नहीं होता, ठीक है। ये साइड पर आपको टू ड्रॉर्स मिल जाते हैं, ये देखिए ये दो, ठीक है। और ये हमारा टेबल का भी रिव्यू हो गया। बाकी आपने किसी भी तरह की अपडेट हो आपने मुझे ज़रूर अपडेट करनी है अपनी कमेंट सेक्शन में। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को, सो डैट आपको कोई भी न्यू प्रोडक्ट हो चाहे लेनी हो या ना लेनी हो, लेकिन नॉलेज होना बहुत लाजमी है। तो आपको मुझे उसमें अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह करें, ठीक है। थैंक यू।